नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा दमायास हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको काली मिर्च के कुछ ऐसे चमत्कारी फायदों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में आपको नॉलेज तक नहीं होगी। तो दोस्तों हमारी पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे जो भी मैं अगली वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, काली मिर्च के चमत्कारी फायदे। तो वैसे तो आप जानते ही हैं काली मिर्च अपने सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्याओं से राहत प्रदान करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। बड़े बुजुर्ग दोस्तों काफ़ी पहले की पीढ़ी से काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हैं काली मिर्च, जो कि आपके सर्दी खांसी जुकाम से राहत देने में मदद करती है। लेकिन मैं आपको इसके अलावा भी कुछ ऐसे काली मिर्च के फायदों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में आपको नॉलेज तक नहीं होगी। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है वरना आपकी जो नॉलेज है वो पूरी तरीके से अधूरी रह जाएगी। स्टार्ट करते हैं यानी कि काली मिर्च अपने शरीर के सिरदर्द खांसी जुकाम के अलावा और किन रोगों के लिए लाभकारी माना जाता है। सबसे पहला होता है शिरसूल, यानी कि अगर आपके दोस्तों सिर में दर्द की समस्या हो रही है या फिर आपको अन्य प्रकार की मानसिक कोई परेशानी आ रही है, तो दोस्तों जो काली मिर्च होती है उसको अपन को सुई की नोक पर अच्छे से रख लेना है, फिर दीपक पर दोस्तों उसे अच्छे से जला लें। तब तक जलाएं जब तक कि दोस्तों उसमें से धुआं ना निकलने लग जाए। जैसे ही दोस्तों काली मिर्च में से धुआं निकलने लगेगा आपको नाक से उसको खींचना है, यानी कि नाक से ऐसे सूंघना है जिससे कि वो मस्तिष्क पर चढ़ जाए, जिससे कि आपके जो सिर दर्द है शिरशूल की समस्या है वो पूरी तरीके से दूर होगी। सेकंड होता है दोस्तों जो चूल्हा होता है उसकी लाल मिट्टी और दोस्तों काली मिर्च के चूर्ण दोनों की बराबर मात्रा लेनी है और उसका नस्य लेना है नाक से, तो आपकी जो मानसिक समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से दूर होगी, आपका दिमाग एकदम शांत और हेल्थी रहेगा। नेक्स्ट होता है दोस्तों अगर आप हिस्टीरिया के रोगी हैं, हिस्टीरिया की समस्या से परेशान हैं, तो उस स्थिति में दोस्तों अपन को खाली पेट खट्टे दही के साथ में आपको जो बचमीटी होती है वो 3 ग्राम लेनी है, 1 ग्राम अपन को काली मिर्च लेनी है और आपको इसका प्रातःकाल सायंकाल दिन में 2 से 3 बार आप इसका सेवन करेंगे तो हिस्टीरिया पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। ये हिस्टीरिया का दोस्तों एक रामबाण इलाज होता है जो कि आपके हिस्टीरिया की समस्या को दूर करने में मदद करता है। काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है हिस्टीरिया के रोगियों के लिए। नेक्स्ट होता है दोस्तों अगर आपके बालों में जुएं पड़ जाएँ, अक्सर होता है दोस्तों बालों में जुएं पड़ जाते हैं तो आप काफ़ी सारे ऑयल शैम्पू बहुत सारे उपाय करके देखते हैं लेकिन आपको फायदा नहीं हो पाता है, तो आपको एक बहुत ही अच्छा एकदम मस्त फायदा बताऊंगी जिससे कि आपके जो बालों के जुए हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अपन को जो सीताफल के बीज होते हैं वो अपन को 10 से 12 लेने हैं, 10 से 12 सीताफल के बीज और अपन को काली मिर्च लेनी है 5 से 6। इन दोनों को दोस्तों अपन को सरसों के तेल में इन दोनों को मिला लेना है, फिर रात में सोने से पहले अपन को बालों में लगाना है तो आपके जो सिर के जुए हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप नेत्र रोग यानी कि आप रतौंधी की समस्या से परेशान हैं, अन्य प्रकार की आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है आपको, तो जो काली मिर्च होती है दोस्तों काली मिर्च को आपको दही में अच्छे से पीस लेना है, फिर उसे आंखों में अंजन करने पर जो आंखों की समस्या है वो दूर होती है, यानी कि ये काफ़ी प्रभावशाली होती है रतौंधी की समस्या को दूर करने में। अगर दोस्तों आपके बालों में जैसे कि आपके सर में दाद हो जाए उसकी वजह से आपके बाल झड़ने लगें, तो उस स्थिति में दोस्तों अपन को नमक और प्याज के साथ में काली मिर्च को मिलाकर के अगर आप उसे बालों में लगाते हैं तो बालों का झड़ना पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। अगर दोस्तों आपको श्वास कास की समस्या है, आप अच्छे से श्वास नहीं ले पा रहे हैं, तो गाय के दूध में काली मिर्च के चूर्ण को अच्छी तरीके से आपको पका लेना है, फिर उसका अगर आप सेवन करते हैं तो जो श्वास कास की समस्या है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। अगर आपके दोस्तों शरीर के किसी भी अंग में सूजन आ रही है तो आपको काली मिर्च को पानी में अच्छी तरीके से पीस लेना है, फिर उसका तो आपको लेप बनाना है और उस सूजन वाली यानी कि इफेक्टेड एरिया पर आपको उसे लेप को लगाना है तो आपकी जो सूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। नेक्स्ट होता है दोस्तों अगर आपको गले में बहुत ही ज़्यादा खराश हो रही है, तो काफ़ी लोग जानते हैं कि अगर गले में खराश हो तो काली मिर्च को अपन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों अगर आपकी गले में खराश हो रही है या फिर आपको खांसी जैसा कुछ फील हो रहा है तो आपको 2 से 3 काली मिर्च लेनी है, उसे मुँह में रख करके उसे
चूसते रहना है, तो आपकी जो गले की खराश है उससे आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा। काफ़ी पीढ़ियों से ये चलता आ रहा है, हर पहले क्या है दवाइयाँ ज़्यादा चलती नहीं थी, तो बड़े बुजुर्ग अपन से जो बड़े बुजुर्ग थे दोस्तों, तो वो काली मिर्च को चूसते रहते थे, तो उनके गले की खराश पूरी तरीके से ठीक हो जाती थी। नेक्स्ट होता है दोस्तों, अगर आपके जैसे कि चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ हो गए हैं, आपके फोड़े फुंसियाँ हो जाए तो दोस्तों अपन को काली मिर्च को जल में अच्छी तरीके से पीस लेना है, उसका लेप बनाए और उसे फोड़े फुंसी वाली जगह पर आपको लगाना है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होगा आपके फोड़े फुंसी को हटाने में, उन्हें पूरी तरीके से नष्ट करने में मदद करेगा। अगर आपको जैसे कि बार बार खांसी आ रही है, कफ आ रहा है, तो उस स्थिति में दोस्तों आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी फक्की ले सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। या फिर काली मिर्च को फांक करके दोस्तों अपन को कुल्ला करना है तो भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जो कि आपके बार बार खांसी आने की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। तो ये है दोस्तों काली मिर्च के कुछ चमत्कारी फायदे। घर में रखी हुई काली मिर्च अपने शरीर के किन रोगों के लिए लाभकारी हो गई अपन को पता ही नहीं चला, तो इन सभी बातों से दोस्तों मैंने आज आपको अवगत कराया है, जिससे कि आपकी भी नॉलेज बढ़े कि काली मिर्च अपने शरीर के बहुत सारे रोगों के लिए प्रभावशाली मानी जाती है। अपने गठिया की समस्या, जैसे कि अपने कहीं भी शरीर के किसी भी पर सूजन आ गई हो, या फिर आपको हिस्ट्रिया की समस्या हो, बालों में जुएं पड़ गई हो, सिर दर्द, या फिर आपको रतौंधी की समस्या हो, नेत्र से संबंधित कोई भी अन्य प्रकार की समस्या हो, तो दोस्तों काली मिर्च एक रामबाण इलाज माना जाता है, जो कि आपके शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग रोगों के लिए काली मिर्च का प्रयोग अपन को अलग अलग तरीके से करना है, इसीलिए मैंने जो भी आपको नॉलेज दी है उसे आपको नोट डाउन करते जाना है। आपको जिस भी समस्या से आप परेशान है, उस समस्या के हिसाब से आपको काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट लग रहा है, अगर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप बेशक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई औषधि को लेके आएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों अगर आपको काली मिर्च के रिगार्डिंग कोई अन्य प्रकार की जानकारी जाननी चाहिए हो, या फिर आप किसी और औषधि के बारे में जानना चाहते हो, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए टाइम अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।